अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुंडिया दा किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपको पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी दूंगा जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर में बआसानी बना सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं कि इसमें आपको कोई मशीन की जरूरत हो, आप घर में सिंपल एक कढ़ाई में बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। कमर्शियल अगर आप रेसिपी बनाना चाहें तो एक मशीन भी मिलती है जिसकी लागत तकरीबन 20 से 25 हज़ार है, अगर वो ले लें तो ठीक है, वरना आप घर में बनाकर पैकेट पैक करके भी सेल कर सकते हैं। आपको कमर्शियल रेसिपी भी मैं गाइड करूंगा इजीली बआसानी, इसमें किन किन अज़ा की जरूरत पड़ेगी मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा। और जिन दोस्तों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइए हम स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई ले ली, इस पर मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, इसमें मैं 3 चम्मच ऑयल का शामिल कर रहा हूँ। जी ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल करूंगा। इसे हल्का मिक्स करते हैं ताकि नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। जी नमक अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, ये रेसिपी मैं आपको एक प्याली जो मकई है इसकी रेसिपी दे रहा हूं, तकरीबन एक प्याली में 70 ग्राम मकई है, ये इसमें मैं शामिल करता हूं और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि नमक और ऑयल हर दाने पे लग जाए। जी व्यूअर, ये देखें हर दाने पे नमक भी लग चुका है, ऑयल भी लग चुका है, कोई भी मकई का दाना खुश्क नहीं है, इस तरह आपने हिलाना है कि कोई दाना खुश्क ना रहे। जी व्यूअर, ये देखें एकदम ये फटने शुरू हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये पॉपकॉर्न जो से हैं वो, जी ये देखें माशाल्लाह, ये देखें जब ये ऐसे फूटने शुरू हो जाए इसके ऊपर ढक्कन दे दें। जी व्यूअर, ये देखें अगर ये फूटने शुरू हो जाए तो फौरन ढक्कन दे दें, अगर ढक्कन नहीं देंगे तो ये सारे बाहर बिखर जाएंगे, ये तकरीबन 2 मिनट लगेंगे ये सारे फूट जाएंगे माशाल्लाह। ये देखें ठक 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 की आवाज आ रही है। जी व्यूअर, जब ये अपना ये फूलने बंद हो जाएंगे ना, ये देखें उछल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जब ये बंद हो जाएंगे तो समझ लें कि आपके पॉपकॉर्न जो हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह, ये देखें चांद ही दाने रह गए हैं, वो भी अभी फूट जाते हैं तो तैयार हो जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर, ये देखेंगे आप फूटने बंद हो चुके हैं, इसका मतलब है कि सारे जो मकई के दाने हैं वो फूट चुके हैं। आंच को बंद करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं। जी ये देखें माशाल्लाह, 30 रुपए की मकई से एक कढ़ाई बढ़ गई है पॉपकॉर्न की, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। जी व्यूअर, इनको मैं एक बॉल में निकालता हूँ माशाल्लाह, ये देखें ये देखें कि इतने ज्यादा 30 रुपए की मकई में, वाह, और बाजार से 50 रुपए का पैकेट मिलता है जिसमें तक ये इतने से होते हैं, ये देख ये होंगे 50 रुपए पे पैकेट में, और अगर आप किसी अच्छे माल में चले जाएं तो वहां पे ये इतने से आपको 200 के मिलेंगे, और घर पे आप तैयार करें 30 रुपए में सारी फैमिली मिलकर खाए, वाह माशाल्लाह। व्यूअर, ये देखें एक बॉल भी अच्छी तरह फुल हो चुका है और अभी कढ़ाई में भी बाकी है, 30 रुपए की सिर्फ मकई में, वाह। आप अपना कमर्शियल बिजनेस भी स्टार्ट करें, आप ये 30 रुपए की मकई में तकरीबन 300 कमा सकते हैं, इसके पैकेट बनाएं, पैकेट बना के सेल करें मार्केट में, 50 रुपए का 40 रुपए का इस तरह की पैकिंग करें और मार्केट में सेल करें। व्यूअर, इस तरह की अच्छी अच्छी मुनफरीद और यूनिक रेसिपी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा, ये मेरा एक मिशन है कि हर घर में अच्छी रेसिपी जाए। आपने मुझे जरूर फॉलो करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इजाजत दीजिए अपने शेफ को, अल्लाह हाफिज़।